तो सीधा सौदा में ब्रेक के बाद आप सभीयों का स्वागत है। मैं और हमारे बॉस नीरज वाजपेयी, इन्होंने 6-6 प्लेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और अब बारी है 4-4 प्लेयर्स की। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर प्लेट भी स्क्रीन्स पे आएगी। आपको जो हम जानकारी दे रहे हैं वो रिलेटिंग टू स्टॉक्स, जो न्यूज़ और मोमेंटम के बेसिस पे बताए जाएंगे। चार स्टॉक्स अभी बचे हुए हैं और आईटी सेक्टर आज फोकस में रहेगा। क्यों फोकस में रहेगा? क्योंकि एक्सचेंजर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो मॉर्गन स्टैनली की जो आज रिपोर्ट आई है आईटी सेक्टर पे, उसमें उनको लगता है कि जो एक्सचेंजर के रिजल्ट्स हैं यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा निकल के आ रहे हैं इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए नेगेटिव से। एक बात है कि उन्होंने गाइडेंस की बैंड जो है नैरो की है, लेकिन जो रिजल्ट्स है और जो ऑर्डर विंस हैं उसको लेके काफ़ी उत्साह है। इनफैक्ट उनकी जो प्रेफर्ड पिक है वहाँ LTI Mindtree से लेके इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी जैसे शेयर्स हैं जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छे आते हैं। और मेरी टीम में अगर आप देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, LTI Mindtree जो कि अब मर्ज एंटिटी है, L&T का पूरा IT कारोबार उसकी एंटिटी में कंसोलिडेट होती है, और विप्रो, ये चार स्टॉक्स हैं जहाँ आपको एक पॉजिटिव रब ऑफ दिख सकता है एक्सचेंजर के रिजल्ट्स को लेके। कल भी आईटी स्टॉक्स ठीक ही ठाक कर रहे थे, इंट्राडे में ऑब्वियसली लॉसेस थे, लेकिन डे ख़त्म होते होते काफ़ी थोड़ी बाइंग आपको आती हुई दिखाई पड़ी। और येस्टरडे एक्सचेंजर का स्टॉक, जैसे कि मैंने पहले कहा, 7% ऊपर था, तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आज खुलते ही आपको इंडियन आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। परफेक्ट। तो अगले जो हमारे चार स्टॉक्स हैं उनमें से अभी आपकी स्क्रीन पे जो नीचे खबर भी चल रही है इसी से जुड़े हुए हैं AMC कंपनीज़ में, तो बिरला AMC, UTI, HDFC AMC और निपॉन। खबर असल ये है कि जो फाइनेंस बिल यानी जो बजट है उसमें जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें से एक प्रस्ताव ये भी है कि जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें इंडेक्सेशन का फ़ायदा जो मिलता है वो 1 अप्रैल से ख़त्म करने का है। आगे इस अगर ये होता है मान लीजिए इसमें, तो इसका इससे होगा कि इसका बहुत सारा पैसा निकल के FD में जाएगा। अभी भी आपकी आपकी जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट होती है उसमें आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता, तो इक्वलाइज़ करने के लिए शायद प्रस्ताव रखा गया है। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में आएगा। तो ये इन तमाम कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो AMCs हैं और जिनके जिनके डेट म्यूचुअल फंड हैं। तो लगभग सभी के पास एक ना एक दो स्कीम ऐसी ज़रूर होती हैं जहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड है, तो उससे मैं लगता है कि इन कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। तो बिरला AMC, UTI म्यूचुअल फंड, HDFC AMC, निपॉन, मतलब चार ही लिस्ट थी। एक्चुअली मैं नीरज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।